बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सबको बनाना सिखा रही हूँ रिफाइन कस्टर्ड एंड रिफाइन जेली, जो कि बच्चों को भी खाने में बहुत पसंद है और जिस तरीके से मैं बताऊँगी बहुत ही इजी तरीका है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने 2 लीटर दूध ले लिया था, 2 केजी दूध ले लिए थे, 2 पैकेट दूध के ले लिए थे। और मैंने दूध को मीडियम फ्लेम पर रख दिया था। दूसरी तरफ हमने 1 कप दूध ले लिया था और इसमें अब हम 3 चम्मच बड़े भरकर डाल देंगे दूध के अंदर कस्टर्ड के, कस्टर्ड पाउडर के 3 चम्मच हम भर के डाल देंगे। आप अपने हिसाब से दूध के अंदर कस्टर्ड डाल सकते हैं जितना आपने डालना हो, कस्टर्ड पाउडर डाल सकते हैं जितना आपने डालना हो। तो जो कस्टर्ड पाउडर हमने 3 बड़े चम्मच डाले थे दूध में, अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसका एक गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप अपने हिसाब से जितना आपने कस्टर्ड पाउडर डालना हो डाल सकते हैं गाढ़ा करने के लिए। अब ये अच्छे तरीके से पेस्ट मिक्स हो चुका है, अब हम इसे उबलते हुए दूध में डालेंगे। अब ये देखिए दूध हमारा उबल चुका है। अब हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था कस्टर्ड में दूध डाल के, दूध में कस्टर्ड डाल के, वो हम इसमें डाल देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे डालेंगे इसे, चूल्हे की हल्की आंच कर लेंगे और इसे हम आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाएंगे जब इसमें हम डालेंगे। जब हम इसमें जो हमने गाढ़ा पेस्ट बनाया था कस्टर्ड का, जब हम इसमें डाल देंगे तो हम इसे हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। और 1 मिनट के लिए भी आपने चम्मच को हिलाना स्टॉप नहीं करना और इसे हम बस 10 मिनट्स के लिए पकाएंगे। ये देखिए वैसे ही हमारा गाढ़ा हो चुका है काफ़ी हद तक। आप अपने हिसाब से गाढ़ा या जितना भी आपने करना हो कर सकते हैं। ये देखें काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो हमारा कस्टर्ड बन गया हुआ है। और मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी कि जब मैंने दूध बॉयल किया था तो उसमें मैंने 4 चम्मच बड़े चीनी के डाल दिए थे। आप लोग अपने हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हो, जितने आपने क्वांटिटी रखनी हो उसी हिसाब से। तो दूसरी तरफ अब मैं जेली बनाने की तैयारी करूँगी। तो ये दूसरी तरफ मैंने पानी रख लिया था जेली के लिए, 2 कप मैंने पानी ले लिया था जेली बनाने के लिए। अब जब तक हमारा पानी बॉयल नहीं होता तब तक हम वेट करेंगे और उसके बाद हम इसमें जेली पाउडर डाल देंगे। अब ये देखें हमारा पानी उबल चुका है, अब हम इसमें जेली पाउडर डाल देंगे सारे का सारा। ये मैंने छोटा पैकेट जेली का लिया था, अब हम इसमें जेली पाउडर सारा डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से बाद में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको हम 6 से 7 मिनट बनाएंगे, पकाएंगे और उसके बाद हम इसे उतार लेंगे। अब ये देखें जेली हमारी तैयार है, इसे हमने 6 से 7 मिनट के लिए मिक्स किया था और ये रेडी हो चुकी है। अब हम ये जो जेली का मिक्सचर हमने तैयार किया था बाउल में डाल लेंगे और इसे हम रूम टेम्परेचर पे रख देंगे, अगर आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये देखें कस्टर्ड हमारा बन चुका है और ये देखें कितना थिक बना है। आप लोग अपने मुताबिक बना सकते हैं जितना आपने गाढ़ा करना हो। ये देखें हमारा कस्टर्ड एंड जेली बन चुका है, लेकिन अभी इसकी फाइनल लुक दिखाना बाकी है। कस्टर्ड जेली मैंने आपको तैयार करके दिखा दिया था, अब हम इसको सेट कर लेंगे फाइनल लुक के लिए। तो जिसके लिए मैंने ये प्लेन केक ले लिए थे एंड सबसे पहले हम केक के पीसेस रख लेंगे। पहले हम केक के पीसेस रखेंगे। तो ये देखे मैंने पीसेस पहले केक के रख लिए थे, अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कस्टर्ड ऊपर डाल देंगे केक के पीसेस के ऊपर। अब हम इसके ऊपर जेली ऐड कर लेंगे, जेली डाल देंगे। अब हम इसमें केक और रख लेंगे
अब हमने इसमें कस्टर्ड और डाल दिया था ऊपर केक डालने के बाद। अब हम इसमें जेली डाल देंगे अगेन ऊपर। ये देखें ये फाइनल लुक है, और देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट भी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।